नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, और हम बात कर रहे हैं 50 और विधानसभा सीटों के बारे में। एक एक सीट का अलग अलग ओपिनियन पोल हम यहां पे देख रहे हैं। इसके पहले वीडियो के माध्यम से हमने बिहार की 50 प्रमुख विधानसभा सीटों के बारे में देखा था, और हमने बोला था ये सीरीज चलेगी 5 वीडियो तक, और हर वीडियो में हम 50 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। बिहार में बात करें कुल 243 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर चुनाव की बात करें जो अक्टूबर और नवंबर में प्रस्तावित हैं। 29 नवंबर 2020 वो तारीख होने वाली है जिस दिन वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, और चुनाव आयोग के सामने ये जिम्मेदारी होगी कि 29 नवंबर से पहले चुनाव को ठीक एवं सुचारू ढंग से संपन्न करा लिया जाए। इसके पहले मैंने जो ओपिनियन पोल बताया था 50 सीटों का, अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखिए, और आपका विधानसभा सीट कौन सा है इसको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, हो सकता है इसमें आपके विधानसभा सीट का भी यहाँ पे ओपिनियन पोल हो। इसके पहले मैंने जो 50 ओपिनियन पोल बताए थे 50 सीटों के, उसमें 28 सीटों पर यूपीए महागठबंधन चुनाव जीतती हुई दिख रही थी, वहीं पर बात करें 22 सीटों पर एनडीए चुनाव जीत रही थी। तो आज हम देखेंगे जो 50 विधानसभा सीट है इस पर कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, क्या यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार बचने वाली है या फिर आरजेडी की सरकार आने वाली है, आरजेडी यानी कि महागठबंधन की सरकार आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर जो आप चाहते हैं कि हम आपके विधानसभा सीट का रिजल्ट बताएं, क्या ओपिनियन पोल होने वाला है वो बताएं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए आपके अपने विधानसभा सीट का नाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 50 और विधानसभा सीट, यानी कि शुरू करते हैं सिकती विधानसभा सीट से। तो सिकती विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पर एनडीए चुनाव जीत सकती है। ध्यान रखिएगा, जब भी मैं एनडीए बोलूँगा तो हो सकता है वहाँ पे बीजेपी या जेडीयू दोनों में से कोई एक पार्टी जीत सकती है, चूँकि अभी ये कन्फर्म नहीं है कि एनडीए वहाँ से चुनाव लड़ेगी या जेडीयू। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जेडीयू और बीजेपी गठबंधन करके बिहार में चुनाव लड़ने वाली है। तो सिकती विधानसभा सीट से एनडीए चुनाव जीत सकती है। बहादुरगंज की बात करें, यहां से कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें ठाकुरगंज विधानसभा सीट एलजेपी के खाते में जा सकता है। वहीं किशनगंज की बात करें, यहां से कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अब बात करें कोचरमान विधानसभा सीट की, तो यहाँ से एआईएमआईएम सीट या निकाल सकती, यानी कि यही एक सीट दिखाई दे रहा है जिसमें ओवैसी का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहने वाला है। अम्मौर विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। बौसी विधानसभा सीट की बात करें, ये सीट आरजेडी के खाते में इस बार जा सकता है। वहीं पे बात करें कस्बा विधानसभा सीट, ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। ध्यान रखिएगा, ये ओपिनियन पोल है और ये फाइनल आंकड़े नहीं है। फाइनल आंकड़े आपको तभी मिलेंगे जब चुनाव हो जाएंगे और उसके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करें बनमकई विधानसभा सीट, ये आरजेडी के खाते में जा सकता है। वहीं रुपौली विधानसभा सीट की बात करें, ये बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। धमधा विधानसभा सीट की बात करें, ये आरएलएसपी के खाते में जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो एलजेपी है वो अब एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ने वाली। हो सकता है चुनाव के बाद में गठबंधन फिर से एनडीए या बीजेपी से कर ले, लेकिन वो साथ में मिलकर चुनाव नहीं लड़ने वाली है। वहीं पर बात करें पूर्णिया विधानसभा सीट की, यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत सकती है। वहीं पर बात करें कटिहार की, कटिहार में बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कड़वा विधानसभा सीट की, यहाँ से बीजेपी का पलड़ा भारी है। बलरामपुर विधानसभा सीट की बात करें, सीपीआई का एक उम्मीदवार यहाँ पे बलरामपुर विधानसभा सीट से जीत सकता है। प्राणपुर विधानसभा सीट की बात करें, बीजेपी का पलड़ा यहाँ पे भारी है। मढ़ियारी विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ से कांग्रेस चुनाव इस बार जीत सकती है। वहीं बरारी की बात करें, बरारी विधानसभा सीट से आरजेडी यहां पे चुनाव जीत सकती है। वहीं कोरहा विधानसभा सीट की बात करें, यहां पे बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी का पलड़ा भारी है। वहीं पे बात करें आलमनगर, आरजेडी के खाते में जा सकता है। बिहारीगंज की बात करें, जेडीयू के खाते में जा सकता है। और जब भी मैं कांग्रेस की बात करूं या आरजेडी की बात करूं, ये दोनों ध्यान रखिएगा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं, यानी कि ये महागठबंधन इनको कह सकते हैं हम, और भी दो तीन पार्टियां इसमें साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। वहीं पर बात करें गठबंधन की, जो बीजेपी और यहाँ पर जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कोरहा विधानसभा सीट के, कांग्रेस के खाते में, आलमनगर आरजेडी के खाते में जा सकता है। वहीं बिहारीगंज
हबीबगंज विधानसभा सीट की बात करें ये आपका जेडीयू के खाते में जा सकता है। सिंहेश्वर विधानसभा सीट की बात करें जेडीयू के खाते में जा सकता है। वहीं मधेपुरा की बात करें ये भी बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं सोनबरसा विधानसभा सीट की, ये भी आपका जेडीयू के खाते में जा सकता है। सहरसा विधानसभा सीट की बात करें आरजेडी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। साहेबगंज की बात करें ये भी आरजेडी के खाते में। बैकुंठपुर सीट की बात करें ये सीट आपके बीजेपी के खाते में जा सकती है इस बार। बरौली विधानसभा सीट की बात करें ये आरजेडी के खाते में जा सकती है। वहीं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट की बात करें ये आपके जेडीयू के खाते में जा सकती है। वहीं महसी विधानसभा सीट की बात करें ये आरजेडी के खाते में जा सकती है। वहीं कुशवेश्वरथन विधानसभा सीट की बात करें ये जेडीयू के खाते में जाती हुई दिख रही है। गोराबाउरम विधानसभा सीट की बात करें एलजेपी के खाते में ये सीट जाती हुई दिख रही है। और बेनीपुर विधानसभा सीट की बात करें ये जा सकती है आपका बीजेपी के खाते में। इस बात और ध्यान रखिएगा जैसे ही कैंडिडेट अनाउंस हो जाते हैं या फिर कौन सी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ने वाली है गठबंधन के हिसाब से देखा जाए उसके बाद भी ये आंकड़े थोड़े बहुत बदलते हैं, उसके बाद एक और ओपिनियन पोल आएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं अलीनगर विधानसभा सीट की। यहाँ से आरजेडी का पलड़ा भारी है। दरभंगा रूरल की बात करें यहाँ पर आरजेडी, और दरभंगा की बात करें यहाँ से भी आरजेडी का पलड़ा भारी है। अब बात करें हयाघाट विधानसभा सीट की तो यहाँ पे जेडीयू का पलड़ा भारी है। बहादुरगंज की बात करें यहाँ पर आरजेडी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। केवटी विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी यहां पे चुनाव जीत सकती है इस बार। गायघाट विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पे आरजेडी का पलड़ा भारी है। और आई विधानसभा सीट की बात करें यहां पे आरजेडी का पलड़ा भारी है। वहीं मीनापुर विधानसभा सीट की बात करें आरजेडी यहां पे आगे चल रही है। वहीं बोचा विधानसभा सीट की बात करें आरजेडी यहां पे चुनाव जीत सकती है। और बोचा विधानसभा सीट की बात करें यहां पे करंट टाइम पे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, यहां पे आरजेडी चुनाव इस बार जीत सकती है। लेकिन सकारा विधानसभा सीट की बात करें यहां पे आरजेडी चुनाव जीत सकती है। वहीं कुरहानी विधानसभा सीट की बात करें बीजेपी यहाँ पर भारी है। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट यहां पर भी बीजेपी भारी है। कांडी विधानसभा सीट की बात करें यहां ये एक ऐसी सीट है कि यहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव इस बार भी जीत सकता है। वहीं बरुराज विधानसभा सीट की बात करें आरजेडी के खाते में जा सकता है। वहीं पारो विधानसभा सीट की बात करें ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो ये 50 और विधानसभा सीटों के बारे में मैंने बताया। बाकी और भी विधानसभा सीटों के बारे में जल्द ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और आपके विधानसभा सीट के बारे में अगर जो मैंने नहीं बताया तो पुराना वीडियो जाके जरूर देखिए जिसमें मैंने 50 और विधानसभा सीटों के बारे में बताया था। टोटल 100 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल को मैंने बता दिया है। और आपके विधानसभा सीट का क्या नाम है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं जरूर लेकर आऊँगा। और यहाँ पे टोटल मैं बता दूँ आज जो मैंने 50 सीटों के बारे में बताया इसमें देखा जाए तो NDA के खाते में टोटल 21 सीट जाती हुई दिख रही है, यानी कि नुकसान हो रहा है NDA को। UPA की बात करें टोटल कांग्रेस के खाते में 3, RJD के खाते में 18 और इंडिपेंडेंट की बात करें 1 और CPI के खाते में 1 और अदर के खाते में 4 से 5 सीटें, यानी कि UPA को यहां पर भी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो बने रहिए हमारे साथ पल पल बिहार चुनाव के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।